नमस्कार, खबर 7C में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया हनुतिया और अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज की। कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसे जन आवाज नाम दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैनिफेस्टो में 5 प्रमुख वादे किए गए हैं। किसानों के लिए अलग बजट लाया जाएगा, साथ ही कृषि कर्ज के डिफॉल्टरों पर फौजदारी मामला दर्ज नहीं होगा। राहुल ने गरीबी पर वार 72,000 का नारा भी दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पर SAAF की सुरक्षा बहाल करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि चुनाव की वजह से RSS दफ्तर समेत कई जगहों से सुरक्षा हटाए जाने की जानकारी मिली थी, लेकिन उन्होंने निर्देश दिए हैं कि RSS दफ्तर पर SAAF सुरक्षा फिर से मुहैया कराई जाए। हार्दिक पटेल के आम चुनाव में उतरने की उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट से भी करारा झटका लगा है। 2015 में गुजरात के महसाणा में दंगा भड़काने के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका पर शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका को रद्द कर दिया था। पाकिस्तान की तरफ से बार बार किए जा रहे युद्ध विराम उल्लंघन का भारतीय सेना ने मंगलवार को जोरदार जवाब दिया। इसमें पाक सेना के 3 सैनिकों के मारे जाने की बात सामने आई है। पाक सेना ने खुद इसकी पुष्टि की है। हालांकि भारतीय सेना का कहना है कि सीमा पार ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान इस बात को छिपा रहा है। टिकट बंटवारे के बाद राष्ट्रीय जनता दल RJD मुखिया लालू प्रसाद यादव के परिवार में मचे घमासान के बीच तेज प्रताप यादव ने कहा है कि दोनों भाइयों के बीच कोई अनबन नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के आसपास चापलूस ज्यादा है। वह सब तेजस्वी से कहना चाहते हैं कि शिवहर और जहानाबाद की बातों को समझे। बता दें कि इन दोनों सीटों पर तेज प्रताप यादव अपने करीबियों को टिकट देना चाहते थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। इसी के बाद तेज प्रताप बागी तेवर अपनाए हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने कहा है कि भारतीय सैटेलाइट के नष्ट होने से 400 टुकड़े हुए। ये अंतरिक्ष की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इसके चलते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS और उसमें रह रहे एस्ट्रोनॉट्स को खतरा पैदा हो गया है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान ने 27 मार्च को एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल का टेस्ट किया था। इस दौरान 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में लाइव सैटेलाइट को नष्ट करने में कामयाबी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी थी। नरेंद्र मोदी को फिर से PM बनाने की बात कहकर राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह मुश्किल में घिर गए हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कल्याण सिंह के खिलाफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर शिकायत की है। बता दें कि कुछ दिन पहले राज्यपाल कल्याण सिंह ने अलीगढ़ स्थित अपने आवास पर नारेबाजी कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा था कि मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। अमेरिका के बार बार आपत्ति जताने के बावजूद भी तुर्की ने रूस द्वारा निर्मित S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का निर्णय लेने के बाद ही अमेरिका ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमानों के सहायक उपकरणों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। लेफ्टिनेंट कर्नल माइक एंड्रयूज ने सोमवार को CNN से एक बयान में कहा कि तुर्की के S-400 की आपूर्ति रोकने के लिए निर्णय को लंबित करने के कारण तुर्की की F-35 के संचालन से संबंधित आपूर्तियों और गतिविधियों को भी रोक दिया है। गाय के लिए टॉयलेट। सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन नीदरलैंड में गायों के लिए टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ गाय के लिए टॉयलेट इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि देश में अमोनिया से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। एक डच वैज्ञानिक हैंक एंस्कैम्प ने गायों के लिए नई यूरिनल डिवाइस बनाई है। इटली के एक द्वीप में संकरी चट्टानों के बीच फंसी गाय को निकालने के लिए बचाव कर्मियों को उसे एयरलिफ्ट करना पड़ा। हेलीकॉप्टर से उड़ाकर ले जाई गई गाय का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया गया है कि गाय एक शिकारी से बचने के लिए चट्टानी रास्ते पर भाग रही थी, इसी दौरान वह फंस गई। ऐसे में स्थानीय लोगों ने गाय को निकालने के लिए फायर डिपार्टमेंट को फोन किया।